तो बच्चों रेजोनेंस में हमने पी पाई डिलोकलाइजेशन या पी पाई बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया था, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के लिए था, ठीक है ना। अब आज ये जो फैक्टर आप पढ़ने जा रहे हो ये किसके लिए बोलो, इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ये किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। और एक सिंपल सी बात मैं अगर बताऊं ना, देखो आप इतनी सी बात याद रखोगे, देखो किसी भी आइटम के पास लोन पेयर या फिर कैसा चार्ज हो बोलो, निगेटिव चार्ज, और बगल में ये चार में से कोई एक चीज हो, एस पी एस आई सी एल, तो इसमें हो जाएगा पी पाई डी पाई। बस इतनी सी बात याद रखनी है। देखो क्रिश निशिका बोलो भाई, राहुल ठीक है ना, मैंने क्या बोला, अगर मैं कोई आइटम हूं लोन पेयर निगेटिव चार्ज है और मेरे बगल में कौन है, एस पी एस आई सी एल, इन चारों में से कोई भी, सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन क्लोराइड, तो मेरा लोन पेयर निगेटिव, बगल वाले जो ये चार में से कोई एक आइटम है उसके डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, दैट इज पी पाई डी पाई, बोलो ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है ना, जिसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने कंपेयर करना है कि CF3 में CF3 माइनस और CCl3 माइनस, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो पहले तो आप मुझे बताओ कोई भी चार्ज सिस्टम स्टेबल कब होता है, चार्ज शुड बी डीलोकलाइज्ड और इट शुड बी लोकलाइज्ड, पहले तो मुझे ये बताओ। निशिका क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या भाई स्कूल से आओ तुम लोग, सो तो नहीं रहे हो, हाँ बोलो। चार्ज शुड बी, मतलब मैंने तो बता ही दिया था, चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, डीलोकलाइज्ड होगा तो सिस्टम स्टेबल होता है, बैठे बैठे ऐसा नहीं होता, घूमी घूमी मतलब मतलब आलस से नहीं होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी डीलोकलाइजेशन। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में मैं कैसे देखूं, तो देखो मैंने जो बताया है, देखो पी पाई तो सोच भी नहीं सकते, वो तो डेफिशिएंट के लिए है, इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, देखो क्रिश काउंट करो, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, सभी के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बोलो, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। इसमें देखो कोई ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, डी ऑर्बिटल की शुरुआत होती है थर्ड पीरियड से, तो फिर क्या होगा, क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल है बोलो, 3d ऑर्बिटल, तो ये निगेटिव इसके 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो कार्बन का p ऑर्बिटल और क्लोरीन का d ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर रहे हैं। डोनर अगर निगेटिवली चार्ज्ड हो तो डोनेट करने के बाद कैसा चार्ज आएगा, चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इसके एक डोनेट करेगा तो प्लस आएगा, प्लस आएगा तो वो निगेटिव को न्यूट्रल बना देगा और ये एक्सेप्ट करने वाला। ऐसा बोलो क्या एक ही क्लोरीन पे आएगा, निशिका क्रिश फिर ये क्लोरीन पे आएगा, फिर दूसरे क्लोरीन, मतलब तीनों क्लोरीन, यानी ये निगेटिव चार्ज कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस तरह से आप इसे इस कैसे रिप्रेजेंट करोगे रेजोनेंस हाइब्रिड को, तो ये है देखो रिप्रेजेंट ऐसे करोगे आप, ये हो गया आपका डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, कभी सिंगल कभी डबल, ना सिंगल ना डबल, ची 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 ची, दैट इज पार्शियल डबल, यस या नो बोलो। आप बेटा मुझे बताओ ये सी सी एल थ्री कैसा दिख रहा है आपको, ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, इसमें कैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, मतलब सभी जगह लग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इसमें देखो इसमें भी क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें कौन सा फैक्टर होगा, इसमें सिर्फ माइनस आई होगा, और इसमें पी पाई डी पाई या मैं बोलूं इसे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, मैंने बोला ना जिसमें डी ऑर्बिटल यूज होगा उसे हम कौन सा रेजोनेंस बोलेंगे, इसे आप पी पाई डी पाई बोलो, और यू कैन से इट, ओ दोस्तों सो मत जाना, मैं सही बता रहा हूं, दांत तोड़ दूंगा मैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो बोलो कौन से स्टेबल हो गया, बोलो ए और ए बी, हाँ क्रिश बोलो कौन स्टेबल हुआ, हाँ स्टेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा बोलो, बी ग्रेटर देन ए। तो पी पाई डी पाई किसके लिए पता चला आपको, तो ये लिख देना
इट इज ओनली पॉसिबल इन दोज मॉलिक्यूल इन विच ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इज कंप्लीटेड. इट कैन ओनली टेक्स प्लेस इन दोज मॉलिक्यूल इन विच ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इज कंप्लीटेड. मतलब ये कैसे मॉलिक्यूल के लिए है? रिच के लिए है कि डेफिशिएंट के लिए है? इट कैन ओनली टेक्स प्लेस इन दोज मॉलिक्यूल इन विच ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इज कंप्लीटेड एंड देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव ऑब्लिक लोन पेयर. नेगेटिव ऑब्लिक लोन पेयर एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल. देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज. देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल एट विसिनल पोजिशन. देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल एट विसिनल पोजिशन. निशिका, क्रिश, हाँ तो बेटा ये स्टेटमेंट लिखना अच्छा है कि उससे अच्छा तो ये नहीं है सही. एक एटम हो, मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट ही होना चाहिए. सभी एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट. ये क्योंकि रिच के लिए, डेफिशिएंट के लिए नहीं है. लोन पेयर नेगेटिव के बगल वाले पे क्या होना चाहिए? एस पी एस आई सी एच, इसमें से कोई हो. ये आसान रहेगा ना याद करना आपको? बोलो. नोट कर लिया? डन है बेटा? क्रेश, राहुल, अच्छा राहुल को नोट करना नहीं होगा. क्रेश नोट कर लिया बेटा? ओके डन. अब जैसे मान लो आपको कंपेयर करना है इसमें स्टेबिलिटी. देखो एक मिनट. ये क्वेश्चन है, ए और बी दो स्ट्रक्चर लिखा है. इसमें आपको क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन
चलिए ये बताइए भाई, डन, नोट कर लिया? नोट नहीं, सॉल्व कर लिया? बोलो। हेलो निशिका, किसमें इसमें पी पाई डी पाई किसमें पॉसिबल है? सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? मैंने अभी एक ही बात बताई आपको ना, कि कोई एटम है ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, और उसके बगल में क्या है? क्रिश बोलो, एस पी एस आई सी एल, देखो चार ही तो देखना है बस। हाँ बोलो, किसमें पी पाई डी पाई पॉसिबल है? निशी का तो पी पाई डी पाई में क्या होता है भाई, जो लोन पेयर है वो, जो ये इन चारों में से कोई एटम एस आई के डी ऑर्बिटल में, बोलो तो डोनर के ऊपर कैसे चार्ज आएगा अगर ये न्यूट्रल है तो? पॉजिटिव चार्ज, यस। और अगर निगेटिव होता तो न्यूट्रल हो जाता। ओके वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा फिर, एस आई एस थ्री, ये प्लस और ये हो गया। कभी भी डोनेट करने वाला न्यूट्रल हो तो प्लस, एक्सेप्ट करने वाला न्यूट्रल हो तो माइनस, ये हो गया। ऐसा क्या एक बार ही होगा, केवल इसी एस आई के पास क्रिस जाएगा ये राहुल? नहीं ना, इस एस आई के पास भी, इस एस आई के पास भी, अल्टरनेटिवली सबके पास। यानी ये जो लोन पेयर है ये बैठा है कि घूमी घूमी कर रहा है? अब अगर लोन पेयर इज ए डीलोकेलाइज्ड, इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, इट विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन और विल नॉट पार्टिसिपेट? यस, तब पार्टिसिपेट नहीं कर। जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया घूमी घूमी, तो चुपचाप अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहो, फिर हाइब्रिडाइजेशन के लिए मत पूछो। मतलब एक साथ दो नाव पर पैर नहीं रख सकते, ठीक है ना? आप रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए तो फिर चलो फिर परे हो जाओ। तो फिर ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो निशिका बोलो, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2। नहीं तुम नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारे सॉल्व किया हुआ है, ये बोलेंगे, ठीक है ना? फिर कोई नई न्यू क्वेश्चन होगा तो सबको मैं तुमसे पूछ लूंगा राहुल, ठीक है ना? अब बोलो sp2 होगा ना ये, निश्चित बोलो सही है? क्रिश सही है ये?
क्रिश यस सर, आवाज नहीं आ रही, अब तो नया ले लिया माइक, मतलब सही आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा रिसीव स्लो, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे sp2 होगा, ये लिख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना बेटा, तीन सिग्मा है, निशिका बोलो। और ये a वाले में क्या होगा भाई, a वाले में निशिका बोलो, sp2। अच्छा अब a में लोन पेयर नहीं सर, sp3। हाँ मैं sp3 होगा ना, इसमें कैसे, ये तो जानते हो ना तुम कैसे, मतलब तुम स्कूल गए थे क्या आज, लग रहा है इसलिए तुम नींद में लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ एकदम नींद में बस लग रहे हो तुम, नहीं तो ये तो बता ही दोगे ना, हाइब्रिडेशन तो जानते हो तुम, वो तो जो लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा ना वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, वो पता ही है तुम्हें। तो आप देखो sp3 sp2 और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और कितनी जगह पूछा गया। अब ये देखो ये कितना आसान है ना, तो ए में क्या बोल दोगे, आपके पता ही चल गया, अब क्या भरूं मैं, तुम लोग भर लेना। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल शेप, अब सुनो sp3 क्या होता है क्रिश, टेट्राहेड्रल। sp2 क्या होता है राहुल, ट्राइगोनल प्लेनर, यस ना, और sp क्या होता है, लीनियर होता है। लेकिन जब लोन पे प्रेजेंट होते हैं ना तो इनकी ये ज्योमेट्री नहीं रह जाती है, फिर रियल में एक्चुअल शेप क्या होता है, कुछ और हो जाता है। सही बात है ना, वो तो जब एक होती है नॉर्मल कंडीशन, उसमें सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब नॉर्मल कंडीशन नहीं रहती है तो फिर क्या होता है, फिर तो फिर कुछ ना कुछ डेविएशन दिखेंगे तुम्हें, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ऐसा। तो जब कोई लोन पेयर हो ना और तीन सिग्मा हो, कभी भी अगर एक लोन पेयर तो तीन सिग्मा हो, ये निगेटिव भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल नहीं रह जाता है, पिरामिडल बन जाता है। क्या बनता है बेटा बोलो, सब बोलो क्या हो जाता है, बोलो वापस। हाँ कभी भी निगेटिव या लोन पेयर हो तो क्या बन जाता है, पिरामिडल। और ये तो सब कोई जानता है, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर तो पता ही है तुम्हें, यस या नो, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो एक्चुअल शेप पता चल गया ना, ये क्या है लिख दिया, ये एक क्या हो गया, एक्चुअल शेप ऑफ ए, ए ए का क्या हो गया, पिरामिडल। क्रिस बोलो समझ के बात, और इसका हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, एक सब 120-20 पे है ना। इसका फोर्थ बोलो, विच इज मोर रिएक्टिव, मैंने बता दिया, एकदम पार्टिसिपेट करते रहो नहीं तो नींद आ जाएगी, फिर क्या होगा ना, जैसे अभी की स्कूल से आने पे फिर क्या होता, थोड़ा वो रहता है, मैं भी आज सोया नहीं, स्कूल चला गया था बच्चों के साथ ले आने छोड़ने, तो फिर मुझे भी अभी ऐसा आंख में ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी बोलते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर इन्वॉल्व। अब मैंने बोला था विच विल बी मोर, विच लोन पेयर विल बी इजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, जो लोकलाइज्ड है या जो डीलोकलाइज्ड है, फिर जो लोकलाइज्ड होगा ना, अरे लोन, हाँ लोकलाइज्ड होगा, मान लो वो ऐसे से घूमता रहेगा फिर इजिली कहां अवेलेबल होगा, तो फिर विच इज मोर रिएक्टिव फॉर प्रोटोनेशन, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बोलो, ए विल बी मोर रिएक्टिव फॉर प्रोटोनेशन, बोलो। ये पता चल गया, बस केवल किस पे डिफरेंस था पता चल गया, जो डिफरेंस कर लेता इसमें पी पाई डी पाई होगा, इसमें नहीं होगा, बस इसी से आंसर आ जाता। डन, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं। आंसर नोट कर लिया क्रिश, निशिका, राहुल, तो सॉल्व किया हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसमें नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब ये देखो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपको, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी, चलो ठीक है जी। तो आपने एक लिख दिया मैंने से, कभी भी लोन पेयर या निगेटिव के बगल में SPSICL, SPSICL, देखो मेरा एक स्टूडेंट का आया रैंक, पता क्या IAS में, मतलब पहले का पढ़ा हुआ वैसे तो, रेहान खत्री,
मतलब उसका क्या फाइव रिहान फोर फाइव टू या ऐसे करके रैंक आई। नहीं पहले तो आईपीएस में हो चुका था उसका, फिर इस बार वापस दिया था, फिर आईएएस में हो गया, आईआईटी दिल्ली से किया था वो दिनेश के साथ का है, राहुल दिनेश मुत्ता वो फिजिक्स वाला, दिनेश मेरा स्टूडेंट नहीं जो था, राहुल राहुल का फिजिक्स पढ़ा देते हाँ, उन उसके उसी के बैच का था ये रेहान खत्री, तो 2010 के करीब 2010 बैच का था। तो अब ये देख लेने देना, अब चार्ज कभी भी हो ना तो मैं, हाँ मैं इस एसपी में क्यों बोला, मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि मैं बोला कभी लोन पेड निगेटिव के बोल में एसपी एसआईसीएल, तो एसपी में इसलिए बोल दिया रेहान खत्री क्योंकि अभी वो एसपी था, नहीं समझे मतलब वो आईबीएस वाले में, तो इसलिए मुझे याद आ गया कि एसपी एसपी एसआईसीएल कभी भी होगा तो फिर वो सिस्टम कैसा होगा बोलो, स्टेबल होगा, बस समझ लेना तुम। अब ये एक और मैं पूछता हूं, आर सी एच माइनस एन एच थ्री प्लस ये तो खटखट कर लोगे ना, कोई दिक्कत होना इसमें? और जैसे डायरेक्ट पी पाई डी पाई होता है ना, सॉरी इनडायरेक्ट, वैसे ही इनडायरेक्ट पी पाई डी पाई भी होता है। अरे भाई इनडायरेक्ट पी पाई वैसे किया था, लोन पेयर एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैसे ही लोन पेयर निगेटिव हो और सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो हो जाएगा ना भाई। क्रिश समझ गए ना बात मैं जो बोला, अभी एग्जांपल मैं पूछता हूँ, रुकूं एक एग्जांपल बता ही देता हूं मैं, जस्ट बस इसमें स्टेबिलिटी बता दो, बस रेजोनेंस की कंडीशन खत्म हो जाएंगे, बस एक लाइन और लिखवा दूंगा बस कंप्लीट, फिर हम बताएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, फिर उनके रूल्स और ये सारे। फटाक से बता दीजिए, इसमें टाइम थोड़ा लगना, लिखते ही आंसर बताना। निशिका फर्स्ट का आंसर बताओ, यस हमेशा एक ही बात, क्रिश एक बात, निगेटिव के बगल में एस पी एस आई सी एल, अगर ऐसा आ जाए तो सिस्टम क्या होता है बोलो, स्टेबल क्या अनस्टेबल, स्टेबल। तो इसमें अब क्या बताए, बस फटाफट ऐसे बता देते हैं ना, हो गया ना ये बोलो, ठीक है ये हो जाएगा, इसमें भी पता चल गया तुम्हें फास्फोरस से ही हो जाएगा, इसमें भी पता चल गया तुम्हें ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राहुल बोलो ठीक है ना, ठीक है ओके डन। अब बेटा इसमें एक और मैं आपसे बताता हूं, जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कैन टेक्स प्लेस, ए
इसमें नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल के साथ किसमें कॉन्जुगेशन मेंटेन करता है? इसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है, इसमें देखो इसमें तो फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होता नहीं है, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होता है। अब इसमें देखो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा, और इसके पास क्या लिखोगे? डी ऑर्बिटल वेकेंट। बोलो मेरी बात समझ में आई? इसमें अगर मैं बोलूं नेगेटिव एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा, दो सिग्मा, ये दिख रहा है, ये नेटा पोजीशन पे जो दो सिग्मा आ गया ना, फिर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। तो ये नेगेटिव क्या इस क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में आ सकता है? नहीं। तो इसलिए क्या होगा बोलो? कॉन्जुगेशन ही ब्रेक हो गया ना, हमें इस नेटा पोजीशन पे कोई भी होगा तो कॉन्जुगेशन ही ब्रेक हो जाए। तो ये क्या होगा बोलो? देखो ये कई बार इस तरह से भी आता है, पी फाई डी फाई पॉसिबल इज, मतलब इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज पॉसिबल। ये देखो ये नोट कर लीजिए बस, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट इसका बताऊंगा मैं, फिर रेजोनेंस से रिलेटेड। अब किसी भी में भी आएगा रेजो होगा कि नहीं होगा ये आप पहचान लोगे, फिर हम मैं बताऊंगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड और उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए रूल्स क्या होते हैं। ये नोट कर, ये कर लिया, डन है? Yes. अब बेटा एक बात, अगर मैं अभी लिखना नहीं, अभी स्टेटमेंट बाद में लिखूंगा, अगर मैं बोलूंगा आपसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें पाई का डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है क्या? तो बच्चा पाई का डिलोकलाइजेशन मींस ऑब्वियसली रेजोनेंस। तो बच्चा कहेगा कि इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कॉन्जुगेशन के लिए तो अल्टरनेटिंग सिग्मा पाई होना चाहिए ना, या फिर वो पाई एक सिग्मा वो बताया था आपको जो कॉन्जुगेशन के लिए, लेकिन इसमें तो कहीं कॉन्जुगेशन नहीं है। तो बच्चा कहेगा नहीं जी, लेकिन मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स हैविंग ईएन डिफरेंस देन पाई इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विदाउट एनी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नहीं है ना, फिर भी इसमें पाई किधर शिफ्ट हो जाएगा अपने आप? नाइट्रोजन पे डीलोकलाइज्ड, और ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड। बोलो सी पे कैसा चार्ज आएगा क्रिश? प्लस, और नाइट्रोजन पे माइनस, और ये लोन पेयर निशिका। वापस अगर यही बनाना है तो इधर से पी पाई कर दो, बस बन जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल है, और मैं कह रहा हूं इसमें पाई का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है क्या? तो बच्चा कहेगा कि कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो डिलोकलाइजेशन कैसे पॉसिबल है। लेकिन मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स हैविंग ईएन डिफरेंस देन पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो बात समझ में आई? बोलो तो हाँ। और ये पाई, फिर अब कोई भी मॉलिक्यूल अगर मैं पूछूंगा इन विच मॉलिक्यूल देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो आप 100% मॉलिक्यूल में आप बता सकते हो। अब सारे कंडीशंस मैंने बता दिए, तो ये स्टेटमेंट क्यों ना नोट कर लिया जाए। इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स हैविंग ईएन डिफरेंस, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स हैविंग ईएन डिफरेंस देन पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एटम्स हैविंग ईएन डिफरेंस, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स हैविंग ईएन डिफरेंस देन पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स, देन पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Then pi is always shifted towards क्या लिखा आपने? बोलो बोलो
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लिख लिया? बोलो डाउट नहीं इसमें? तो बच्चों रेजोनेंस के लिए सारी कंडीशंस मैंने बता दी, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रूल्स इन ऑर्डर टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। बोलो जी, नोट कर लिया ये? एक मिनट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।